नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। डकैती करने के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों को गोली मार दी। इसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 महिला गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये घटना लोनी के टॉली कॉलोनी में रविवार को देर रात हुई। बताया जा रहा है कि देर रात कपड़ा व्यापारी रियाजुद्दीन के घर में घुसे बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया। विरोध करने पर उन्होंने माता पिता सहित 2 बेटों को गोली मार दी। 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रियाजुद्दीन की पत्नी की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। थाना लोनी क्षेत्र में एक मामले में आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1 महिला घायल है, जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों की जानकारी दी जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी साइकिल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही है। तो क्या कोई लूट का मामला सामने आया? अभी इसमें सारे तथ्य नहीं आए हैं, बहुत जल्दी जैसे बाकी तथ्य आ जाएंगे आपको बता। पुलिस के मुताबिक रविवार को देर रात कपड़ा व्यापारी रियाज उर्फ रियाजुद्दीन के घर में घुसकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। व्यापारी रियाज और उसके 2 बेटों अज्जू और इमरान और उनकी पत्नी को गोली मारी गई। इसमें व्यापारी रियाज उनके दोनों बेटों की मौत हो गई। वहीं रियाज की 65 वर्षीय पत्नी की हालत गंभीर है। घर से बदमाश क्या ले गए हैं इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बता दें कि 2 हफ्ते पहले भी लोनी में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई थी। दोनों को तार से गला दबाकर मारा गया था। बाद में पता चला था कि बेटे ने ही प्रॉपर्टी के लिए अपने माता पिता की जान ले ली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।